गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक अलग टॉपिक लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो लगभग मतलब प्री बीएड एग्जाम में या प्री एसटीसी एग्जाम में पूछा जाता है, और आजकल रेट या थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी एक टॉपिक आता है स्थानीय मान, जो छोटी क्लासों में पढ़ रखा होता है, थर्ड फोर्थ में ये आप पढ़ते हैं नॉर्मली। तो इसका कैसे इसका यूज़ करना है और कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। नॉर्मली हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान का मतलब होता है कि 10, 100, 1000, इनकी फॉर्म में किसी भी नंबर को राइट डाउन करना। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा 5, 4, 7। ठीक है, इसमें से आपको पूछेगा 7 का स्थानीय मान क्या है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके, तो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 7, 4 का स्थानीय मान 4 × 10 = 40, और 5 का स्थानीय मान 5 × 100 = 500। तो इसको हम वापस कैसे लिख सकते हैं, 500 + 40 + 7, तो हमारे पास आ जाएगा 547। ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल हो गया जो आप छोटी क्लासों में देख लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता। कंपटीशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन इस टाइप से कि डेसिमल के अंदर, पॉइंट के अंदर, मतलब लिख लिया हमें 243.23। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा। इसका स्थानीय मान पता है इंटू 1 करना है, इसका पता है इंटू 10 करना है, इसका पता है इंटू 100 करना है। अब इनका क्या करना है। ठीक है, इसको करना है आपको इंटू 1/10, और इसको करना है इंटू 1/100। अब यहाँ पे भी कोई नंबर होता तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 1/1000। ओके, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3/100। ओके, अब सबको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 × 100। 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 40, 4 × 10। 3 का क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 2/10 प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 3/100। So, इन सबको वापस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 243.23। इस प्रकार हम पॉइंट वाले का भी स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं। एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1/10। ठीक है, कोई क्वेश्चन ले लिया, उसमें पूछ लिया 737.23, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 × 100 = 10, क्योंकि इसका हो जाएगा इंटू 1 × 10, 3 × 10 = 30। 3 का स्थानीय मान यही होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट में आ गया, पॉइंट के बाद वाले का अपॉन में 10 होता है, पॉइंट से पहले जो है वो आपका पुराना मेथड ही चलेगा। ओके, इसी मेथड से अब नॉर्मल सा स्थानीय मान निकालते हैं। 243 में 2 का स्थानीय मान क्या जाएगा, 2 × 100 = 200। तो ये स्थानीय मान बहुत आसान है और बहुत सिंपल है और मार्क लाने लायक है। तो स्थानीय मान का टॉपिक यहीं यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।